तो घर पे क्या बोल के गई थी वो कि एक दिन के लिए गए थे काफी? मैं तो नहीं थी, मैं तो बाहर अलीगढ़ रहती हूँ। मगर बच्चों को अपने उनको समझा के गई कि बेटा समर के रहना, लड़ना मत, लड़की समझाए भतीजा था मेरा, चार लड़कियों के बाद में वो भी चला। तो ये राहुल जी ने, राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? मदद, क्या क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ, जब समापन हुआ तो वह प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी, हो सकता मेरी भाभी बची आती। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही? कुछ भी नहीं था, बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपकी परिवार के मतलब मदद करेंगे आप, सही से रहे, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। कुछ भी हो जाए वो यही समझा रहे थे कि टेंशन ना लो, अब आपकी मदद करेंगे पूरी, यही बोल रहे थे। आपको क्या ये कहूँगा, इनके लिए बहुत दुखदार हुआ है, बहुत दुख हुआ है सरकार के, इनसे ये करते हैं कि इनकी मदद हो। उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे, जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया उनसे क्या मांगे, जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। अभी नहीं मिला है, हाँ जांच हो, जांच होने के बाद में जो गुनाह है उसमें गुनहगार को कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। राहुल गांधी कुछ आप लोगों को ढांढस बंधाया, क्या बोले, क्या बात कह रहे थे? आपकी शायद करेंगे, बना के रखो, मेरी मां चलेगी, मेरे भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाना, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ, मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? नहीं, मतलब अरे इंसाफ दिया जाए, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया जाए। नितिन कुमार नाम है मेरा। नितिन जी, नितिन कुमार जी, आपकी वाइफ की डेथ हो गई? नहीं नहीं, माँ थी मेरी। क्या नाम है? शांति देवी। तो किनके साथ गई थी वो? हमारे साथ गई थी मम्मी। आपके साथ जी? तो कैसे वो हादसा हो गया, कैसे? जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी बिलखना एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए। नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे, मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए दूसरे के घर में चले गए जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। अच्छा, तो
गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई, आपकी क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो क्या मुआवजा देने की बात की कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं है, सिर्फ हालचाल जाना होगा। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारे हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी जैसा भी होगा। तो आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। ठीक है, मेरा नाम लता है। लता जी आपकी क्या लगती है? मेरी माता थी, हाँ मम्मी थी मेरी। ये बताइए कि राहुल गांधी आपके घर? हाँ आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हमको हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पर? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था उनको तो आना चाहिए। यहाँ पे हम बैठ बैठे इंतजार करने के यहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे यहाँ, क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते हैं हमारे घर पे आए वो, तो जब ही तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किन से कुछ क्या कहें हम हैं? जब वो आएंगे जब ही तो उनसे कुछ कहेंगे हम हैं? तो लता जी आप क्या बात करना चाहते थे उनसे? हम कुछ भी कहें या पे दिल की कहें या कुछ भी कहें या हम कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब ही सो कहेंगे हम उनसे। जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किन से कहें हम हैं? ऐसी अगर जी हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर से आदमी जाते रहे तो मुआवजे का क्या होगा? जब आदमी चले जाएंगे तो ऐसे लाख दो लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती हैं, तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का हैं? ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलता रहे तो ऐसे तो जय चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? परिवार के कुछ लोग वहां बुलाए थे, हाँ उन हमें पता नहीं, हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं, हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर। और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना, हमारी माताजी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी, हमारी माताजी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना आना चाहिए था है? जब वो आती तो जब ही तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहां बुलाते थे वो, क्या उनकी उनकी बेटी है, क्या बेटा है, उनके पति है कौन है, हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए, हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो जो पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मर हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी भाई है, जी भाई है, जी मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे आएंगे, जी मेरे पिताजी हैं। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे एक भाई, मगर और दो भाई तो मेरे जी हैं, मेरे पिताजी जी हैं, मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, इनको दिखता भी नहीं है बिल्कुल, तो उनको जहाँ आना चाहिए ना आना चाहिए था यहाँ पे उनको है, तो हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ आना चाहिए उनको। हम दूसरे घर पे, हमारे घर पे मौत नहीं हुई क्या? हम दूसरे घर पे क्यों जाएं? अगर जी होता कि हमारे घर पे मौत नहीं हुई, हमने अपने माता जी अपने घर में मान ली हमने, तो जे हम वहां भागे दौड़े चो जाए हम किसी के घर पे, हम तो नहीं जाना चाहते किसी के घर पे। मेरा नाम कमल सिंह है। कमल जी आपकी क्या लगती है? क्या लगती है? जी हमारी माता जी है। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी ने आपके घर लेकिन वो नहीं आए, तमाम महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी, आपको दूसरे घर बुला लिया गया था? ऐसा है, उनके सवेरे वो आए थे, लोग आए थे, उन्होंने ये बोला था कि उनको अनुमति नहीं है जाने की, तो हमारे लिए वहाँ सूचना दे दी थी तो बुला लिया था, नहीं बुला लिया था। हाँ वहीं बुला लिया था। आपके घर की महिलाएं कह रही हैं वो इंतजार कर रही थी, मिलना चाहती थी, अपना दर्द साझा करना चाहती थी। वो हमसे फोन भी किया था उन्होंने, उनके आदमियों ने ये कह दी थी कि वहीं आ जाना आप। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी आपकी माता जी गई हैं तो आना चाहिए? हाँ आना चाह राहुल जी को यहाँ आना चाहिए, आना था। हाँ तो आपने उनको बोला कि आप भी हमारे घर में आइए, सब लोग इंतजार कर? हमने बोला था पहले, उनके आदमियों ने कह दी थी आप उधर ही आ जाओ, तो हम बुला लिए थे, हम तीनों भाई और हमारे पिताजी गए थे। जी हमारा भाई है, इससे बात हुई। ये बताइए क्या कुछ बातचीत हुई राहुल से और आप लोगों ने क्या? मेरी बात हुई थी, बात हुई। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है और जो मृतक है मेरी माता जी शांति देवी। राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हाल चाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है,
और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल गए, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में तमाम महिलाएं जो हैं वो इंतजार कर रही थी, लता जी ने अभी हमें बताया कि वो सुबह से इंतजार कर रही थी, राहुल गांधी से मिलना चाहती थी और अपना दर्द जो है बयां करना चाहती थी, लेकिन वो घर नहीं आए। वो नहीं आए, हाँ वो बिल्कुल आना चाहिए था। हाँ तो इसका जो है राहुल जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, और जो भी उनके जो गार्ड वगैरह उन्होंने हमसे बोला था कि राहुल जी आपके घर नहीं आएंगे, तो जो हमको फिर वहीं पे जाना पड़ा था। तो इस वजह से हमारी महिला नहीं जा सकती, भाई निकल नहीं सकते मौत के बाद घर से, तो ये उसका कारण है। और हमने राहुल जी को बताया था कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग को जो है संसद में रखें, उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, हमें आश्वासन दिया है कि आपको जो है जरूर न्याय मिलेगा। सर कांग्रेस पार्टी ने हमें आश्वासन हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने वो उससे ये हमसे ये बोला कि जो भी हमारे लायक मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे, और अपने जो भी थे उनसे बोल दिया है कि इनकी मदद करना जो भी हो, उन्होंने ये बोल दिया है।